बुलेटिन में आगे रुख करते हुए गुरुग्राम से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी मिल रही है अपने दर्शकों तक हम साझा करते चले तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर जहां शीतला माता मंदिर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। मंदिर पहुंचकर माता शीतला के उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं, माता का आशीर्वाद लिया। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा सीएम सैनी ने लिया है। बड़ी जानकारी गुरुग्राम तक आप तक साझा कर रहे हैं। गुरुग्राम से एक बड़ी जानकारी जहां शीतला माता मंदिर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी और ये देखिए तस्वीरों के साथ आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। मंदिर पहुंचकर माता शीतला के दर्शन पूजन उन्होंने किए और मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का भी उन्होंने जायजा लिया है। किस गति के साथ, किस प्रगति के साथ निर्माण कार्य चल रहा है और शीघ्र से शीघ्र ही निर्माण कार्य जल्द पूरा हो उसकी बात उन्होंने कही। साथ ही साथ यहाँ पर अधिकारियों से भी वो मिलते हुए नजर आए हैं और फिर से 400 पार की बात कहते हुए नजर आए हैं। तो शीतला माता मंदिर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में, दरअसल ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और मंदिर पहुंचकर माता शीतला के उन्होंने दर्शन पूजन किए, माता शीतला का आशीर्वाद उन्होंने लिया। सीएम ने माता शीतला का आशीर्वाद लिया और यहाँ पर मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा भी उन्होंने लिया। किस गति के साथ, किस तीव्र गति के साथ यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है उस तमाम पहलुओं को लेकर वो जायजा लेते हुए अधिकारियों से नजर आए। हालांकि इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता नजर आई, आसपास के लोगों से भी वो संवाद करते हुए नजर आए। तो शीतला माता मंदिर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, जैसे कि हमने अब से कुछ देर पहले आपको तस्वीरों में भी दिखाया, लोगों के बीच वो पहुंचे थे, लोगों से संवाद भी कर रहे थे, लोगों का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे थे। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का भी उन्होंने जायजा लिया। तो पीएम के सपने साकार नायब सिंह सैनी इस दौरान कहते हुए अपने बयान में नजर आए। एनडीए होगी 400 पार, तो देखिए 400 पार का जो नारा है उसको लेकर लगातार बीजेपी जो है वो आश्वस्त नजर आ रही है। आज नॉमिनेशन भी है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज हरियाणा के अंदर शुरू हो रही है और आज गुरुग्राम का नॉमिनेशन भी है। राव इंद्रजीत जी नॉमिनेशन कर रहे हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को सम्मान देने की मजबूत लड़ाई लड़ी है, आज दुनिया के अंदर भारत का नाम एक सम्मान से लिया जाता है। इन 10 वर्षों के अंदर देश की समस्याओं का समाधान इन 10 वर्षों के अंदर किया है, चाहे धारा 370 की समाप्ति की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे बोडो के समाधान की बात हो, और पूरे देश के अंदर समान रूप से विकास, चाहे नॉर्थ ईस्ट है और चाहे हमारा उत्तर भारत है, चाहे दक्षिण भारत है, पूरे भारत के अंदर समान रूप से विकास करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। देखिए मंदिर पहुंचकर माता शीतला के उन्होंने दर्शन किए, साथ ही साथ देखिए बच्चों से भी मुलाकात करते हुए और साथ ही साथ तमाम जो लोग यहां पर थे महिलाओं से मुलाकात करते हुए नजर आए, वो लोगों से संवाद भी किया और लोगों का अभिवादन भी किया। साथ ही साथ शीतला माता मंदिर में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके बारे में भी वो जानकारी हासिल करते हुए नजर आए। किस प्रकार लोगों की बीच में वो पहुंचकर संवाद कर रहे हैं लगातार, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही साथ 400 पार का नारा उन्होंने फिर से जिक्र किया और उसी विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटें जो हैं वो बीजेपी फिर से एक बार जीतने जा रही है। एनडीए का जो सपना है 400 पार का वो जरूर पूरा होने जा रहा है, पीएम मोदी का सपना साकार होने जा रहा है। तो देखिए मंदिर का और मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा तो लिया ही, लेकिन साथ ही साथ फिर भी 400 पार का जो नारा है उसे फिर से दोहराते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए हैं। तस्वीरों में भी आप देखिए किस कदर वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। भारी सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान देखने को मिली उनके आगमन पर और लोगों से मुलाकात करते हुए वे नजर आए और अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ शीतला माता मंदिर में जो निर्माण कार्य चल रहा है किस गति के साथ
और कहां तक निर्माण कार्य पहुंचा है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही या फिर किसी प्रकार की कोई आधिकारिक तौर पर जो अधिकारियों के द्वारा या विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कोई हिलाहवाली तो नहीं है, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो यहाँ पर जायजा लेने के लिए भी पहुंचे थे। तो मंदिर में जो निर्माण कार्य है किस युद्ध स्तर पर और किस गति के साथ चल रहा है, कितने दिनों में ये पूरा होगा, कितना और समय लगेगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर वो यहाँ पर अधिकारियों से भी बातचीत करते हुए वो नजर आए और इन तमाम पहलुओं को लेकर जानकारी हासिल करते हुए वो नजर आए। तो देखिए अलग अलग जगहों पर वो पहुंच रहे हैं, लगातार लोगों से संवाद भी कर रहे हैं।